कराते हैं और सोशल वर्कर भी करते हैं ब्लड के क्षेत्र में। क्या नाम है आपका? वैद्यनाथ। घर कहाँ है? कितने दिन से जुड़े हैं आरएसएस से? 2 साल। कंटिन्यू आप शाखा जाते हैं? कहाँ है आपका शाखा नजदीकी? राष्ट्रीय स्वयं सेवक के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत कड़ी सुरक्षा के बीच स्वयं सेवकों को किए संबोधित। राष्ट्रीय स्वयं सेवक के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत सोमवार की सुबह यानी आज सर्दियों के बीच ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम पहुंचे, जहां वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवकों के एकत्रीकरण कार्यक्रम के तहत स्वयं सेवक व मिथिला के बुद्धिजीवियों को संबोधित किए। वही इधर संघ प्रमुख को संबोधन को लेकर स्वयं सेवकों में भारी उत्साह देखा गया। लोगों की भीड़ सुबह से मैदान में डटी रही। लोगों को संघ प्रमुख के संबोधन व मार्गदर्शन का भी बेसब्री से इंतजार था। वहीं आपको बता दें कि सर संचालक भागवत अपनी 2 दिवसीय यात्रा के तहत रविवार की दोपहर 1:15 पर दरभंगा पहुंचे थे। यहां उन्होंने दरभंगा के महाराज डॉक्टर कामेश्वर सिंह के पौत्र कुमार कपरेश्वर सिंह के निवास स्थान राबाग में स्वयं सेवकों के साथ संगठनिक बैठक की। उसके बाद रात्रि विश्राम भी कुमार कपलेश्वर के रामबाग पैलेस में ही किया। स्वयं सेवकों के नगर एकत्रीकरण व बुद्धिजीवियों के संबोधन के लिए तमाम तैयारियां रविवार की देर रात में ही पूरी कर ली गई। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अनाधिकार लोगों के प्रवेश को परिसर के अंदर वर्जित रखा गया है। समाज के लिए, पूरे भारतीयता के लिए, पूरे हिंदुत्व के लिए, पूरे इस देश के लिए, इस देश के राष्ट्रवाद के लिए जो उन्होंने संदेश दिया है, हम समझते हैं पूरे देश में नया ऊर्जा का संचार इस दरभंगा की धरती से, मिथिला की धरती से उनका संदेश करेगा और सभी स्वयं सेवकों में उसका एक बहुत ही गहरा सकारात्मक जो पूरे स्पीच उन्होंने दिया है उसमें एक जो बात कोट किया कि देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। निश्चित रूप से व्यापकता के साथ इस बात को रखा है कि हमारी संस्कृति, हम जो यहाँ इस देश के अंदर रहते हैं वो जितने लोग हैं वो विचार, एक मुख्य शब्द कहा कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। जो हिंदू अपने को मानते हैं वो भारत के वासी हैं। संघ ऐसे सारे लोगों का अभिनंदन करता है, स्वागत करता है जो अपने को हिंदू मानता है। संघ को कुछ नहीं चाहिए, संघ समाज के लिए है और समाज में संघ है। इसीलिए उन्होंने कहा संघ के स्वयंसेवक तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, अर्थात संघ के स्वयंसेवक के लिए अपना कुछ नहीं है, जो है समाज के लिए है और समाज को ही गेट से ही उन्होंने आह्वान किया कि समाज आगे आए और इस राष्ट्र को समृद्ध बना करके परम वैभव के शिखर पर ले जाए। ये मुख्य रूप से पूजनीय सर संचालक जी का वक्तव्य था। कितना ऊर्जा आप लोग के अंदर संचार हुआ स्पीच के बाद? उनके आने मात्र से ही